हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस रुमाल से बनाएंगे। तो रुमाल से मैंने पहले भी काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाई हैं, तो आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अभी तक मैंने रुमाल से कोई ड्रेस डाली भी नहीं है, और काफ़ी सारा रिक्वेस्ट भी आया हुआ है कि 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की भी रुमाल से ड्रेस बनाएं। तो रुमाल से ड्रेस बनाने के लिए मैंने एक ये रुमाल लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट रुमाल है, ये देखिए, और ये गर्म भी है काफ़ी। तो मैंने ये इस तरीके का रुमाल लिया है, आप कोई भी या किसी भी तरह का रुमाल ले सकते हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हम रुमाल को इस तरीके से उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे, और जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, जो हम ड्रेस की जो लंबाई रखेंगे वो हम इस तरीके से 2 इंच रखेंगे। ये हम उनके ऊपर का जैकेट बना रहे हैं, तो जैकेट की जो लंबाई हम रखेंगे वो हम 2 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 इंच से भी 1 पॉइंट कम लिया है, तो हम इसको इतना ही रख लेंगे। और लंबाई, ये जो चौड़ाई हम जो लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और हम ये यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और अब हम इसको पहले यहाँ से इतना कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये कट कर लिया है। और अब हम सबसे पहले बाजू के लिए मार्क लगाएंगे। ये देखिए बाजू, हम यहाँ पर ये 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरीके से। जो बाजू की हम चौड़ाई रखेंगे वो हम, सॉरी, मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है, ये हम 1 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि अभी ये सिलाई में भी दबेगा तो यहाँ से ये कम रह जाएगा। और जो हम बाजू की लंबाई रखेंगे वो भी हम 1 इंच ही रखेंगे। ये देखिए, और अब हम इधर की साइड से भी मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए, 1 इंच हमने बाजू की चौड़ाई रखी है और 1 ही इंच हमने बाजू की लंबाई रखी है। और ये हम यहाँ से हल्का सा थोड़ा तिरछा करते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें इसको सीधा करेंगे, और जैसे ये हमारे पास इधर एक बॉर्डर दिया हुआ है, इसके दोनों साइड हम, या फिर आप इसको चारों साइड भी, ये थोड़ा रुमाल है, थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, आप इसके चारों साइड कोई भी गोटा पट्टी या लेस लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसके चारों साइड गोटा पट्टी लगा लूँगी, उसके बाद हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसके चारों साइड गोटा पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें चारों साइड ये गोटा रिबन लगा लिया है। अब इसमें कहीं से भी धागे नहीं निकलेंगे, और जैसे हमने मार्क किया हुआ है, ये देखिए, अब हम उसी तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ ये सिलाई लगा लेंगे। हमने जो मार्क किया है हमें उसी के ऊपर सिलाई लगाना है, अभी कुछ भी कट नहीं करना है। तो चलिए हम सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने ये मार्क किया था हमने वैसे ही सिलाई लगा ली है। बस हमें यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें थोड़ा गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेना है। और चलिए अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। हमें इसको यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से कट करना है। ये देखिए, और अब हम इधर से भी कट कर लेंगे। और हमेशा यहाँ पर हल्का सा कट लगाएं, ताकि बाजू ज़्यादा खींचे नहीं। ये देखिए, अब ये हमें इतना करने के बाद हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से सीधा कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने सिर्फ एक ही कट किया है, पीछे वाला साइड हमारा ऐसे का ऐसे ही है। और यहाँ से हमें इसको इस तरह से कट करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए, हल्का सा गोलाई में कट करना है। ये देखिए,
ये हमें यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है, ज़्यादा कट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम जब कैप ऐड करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ही कट चाहिए। और ये देखिए, अब हम इसको पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है। ये इसका या तो आप फ्रंट साइड रख सकते हैं या बैक साइड, आप किसी भी साइड से इसको पहना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर भी सेम ये गोटा पट्टी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ ऊपर की साइड कैप ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम ये गोटा पट्टी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों इस साइड हमने ये दोनों में अपना गोटा लेस ऐड कर लिया है। और अब हम ये इसके लिए कैप कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाने के लिए वही रुमाल ले लेंगे जिसमें से हमने शर्ट कट की थी। और रुमाल को हम थोड़ा इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो रुमाल के जो कैप आगे की साइड आएगी उस पे आप इस तरह का गोटा पट्टी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू कलर का बॉर्डर दिया गया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सॉफ्ट भी है, ये चुभेगा भी नहीं। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये चीज़ हम सामने की साइड रखेंगे। तो जो हम कैप का मेजरमेंट लेंगे वो हम 1 इंच का लेंगे। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, 1 इंच लंबाई हो गई और ये 1 इंच चौड़ाई हो गई। और हम ये 1 इंच पर मार्क करके कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। और ये इस तरीके से 2 इंच की इसकी लंबाई रहेगी और 1 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी अगर हम इसको पूरा ओपन करेंगे, बट हमें ये फोल्ड ही रखना है इस तरीके से। और हम यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमें बस ये यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, हमें ये कॉर्नर ख़त्म करके इस तरीके से गोलाई में थोड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहीं सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें सिलाई लगा ली और ये कॉर्नर हम हल्का सा कट कर देंगे। और कट करने के बाद अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कैप बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये हम इस तरीके से लगा लेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम मशीन से नहीं लगाएंगे, ये हम सुई से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये हल्का सा भी हमने इस तरीके से खींच के लगाया तो यहाँ से ये धागा निकल जाएगा। और ये जो, क्योंकि रुमाल का कपड़ा है, हल्का सा खींचते ही पूरा फटना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए हम ये यहाँ पर सुई धागे से लगाएंगे। तो चलिए, सुई धागे से लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने सुई धागा ले लिया है। मैंने सुई थोड़ी बड़ी ली है ताकि अच्छे से लग सके। और अब हम इसको देखिए, कैप भी हमें सीधा लेना है और जैकेट भी हमें सीधा लेना है। इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, हम इसको यहाँ से रखेंगे इधर से, और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और लगाना शुरू कर देंगे। और धागा मैंने डबल लिया है ताकि हमें 2 बार सिलाई ना लगानी पड़े। और ये हम कॉर्नर पे से थोड़ा सा सिक्योर करते हुए, डबल गांठ लगाते हुए इसको इस तरीके से चारों साइड से सील लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है। और ये देखिए, सुई से सिलाई लगाई है तो पूरा फिनिशिंग के साथ लग गई है। और ये अंदर की साइड से है। और ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जैकेट अब बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, ये सबसे छोटे साइज़, बिल्कुल ये देखिए, ये इतना छोटा साइज़ है, बिल्कुल स्मॉल साइज़, 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है ये। सही से बताऊँ तो 1 नंबर साइज़ को भी नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत छोटा ड्रेस है। तो अब हम यहाँ पर वेलक्रू लगा लेंगे इसको इस तरीके से चिपकाने के लिए। तो चलिए, वेलक्रू कट कर लेते हैं और वेलक्रू लगा लेते हैं। कि देखिए, ये 2 वेलक्रू ले ली है। और अब हमें ये एक यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है ऊपर की साइड, और एक ये हमें अंदर की साइड लगा लेनी है। और ये फिर लड्डू गोपाल जी को पहनाने के बाद इस तरीके से बंद हो जाएगी। तो चलिए, वेलक्रो लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की जैकेट एकदम बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए, ये हमने इसमें वेलक्रू लगा दी है। वेलक्रू हमने हल्की सी नीचे की साइड छोड़ते हुए लगाई है और हल्का सा ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर की साइड भी हमने ये हुडी जैकेट बनाई है। ये देखिए, ये गर्दन पे से थोड़ा सा इस तरीके से रहेगी नेक पे से, और ये
उनकी जीरो नंबर लड्डू गोपाल जी की जैकेट एकदम बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये उनको ऊपर से भी पहना सकते हैं या फिर ये हम पूरा सूट बना रहे हैं, पूरा सूट भी पहना सकते हैं। तो चलिए जैकेट तो उनकी बन के तैयार हो गई है, अब उनके लिए पैंट बना लेते हैं। पैंट बनाने के लिए हम वही सेम हैंकी यूज़ करेंगे जिसमें से हमने इनकी शर्ट बनाई है। तो चलिए पैंट बनाते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो रुमाल की जो ये यहाँ पर कन्नी दी हुई होती है, ये हम नीचे की साइड यूज़ करेंगे एज ए पाइचे। जो लड्डू गोपाल जी के नीचे के पैर के पाइचे होंगे, हम ये उनको यूज़ उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लेंगे क्योंकि हमें उल्टी साइड मार्क करना है। ये देखिए 2.5 इंच हो रहा है, ये देखिए ये पैंट की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले लेंगे, ये देखिए, और पैंट की लंबाई हम 2 इंच लेंगे। ये देखिए अब हम ये इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, लंबाई हमने 2 इंच रखी है, और ये साइड से हम थोड़ी सी जो एक किनारी है इसको भी कट कर देंगे क्योंकि थोड़ा साइड में फिर सिलाई लगाते हुए प्रॉब्लम होता है। बस हमें ये जो नीचे की साइड, ये हमें सिलाई इसका जो कन्नी है हमें नीचे की साइड रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। ये देखिए इलास्टिक मैंने ये गोल वाली ली है, आप चाहे तो लंबे वाली भी ले सकते हैं, पर लंबे वाली इलास्टिक बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, इसलिए मैं ये गोल वाली मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। एक तो ये बहुत स्ट्रेचेबल होती है और दूसरी चीज़ ये लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इसकी मैंने इलास्टिक की जो लंबाई मैंने रखी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, सॉरी ये 2.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो मैंने ये इसकी लंबाई रखी है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख कर और ये कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद में पैंट की लंबाई 1.5 इंच रह जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर इलास्टिक डाल ली है और इलास्टिक डालने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर ये हमें सीधी सिलाई लगानी है और इस तरीके से ये ओपन रहेगा, एक स्कर्ट की शेप में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है और अब ये एक स्कर्ट की शेप में आ गई है। और अब आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा सिलाई लगाते वक्त कि सिलाई थोड़ा अच्छे से लगाना है, कभी आप थोड़ा कपड़ा कम लेके सिलाई लगाएं तो ये छूट जाएगा क्योंकि रुमाल का कपड़ा है, इसका थोड़ा स्पेशली ध्यान भी रखना है। सिलाई थोड़ा अच्छे से लगाना है कपड़े को अच्छे से छोड़ते हुए। अब देखिए अब ये इस तरीके से इसकी इस हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया और अब हम बहुत हल्का सा यहाँ पर 1/2 इंच जितना ये इस तरीके से वी शेप में मार्क कर लेंगे। चलिए मैं आपको इधर की साइड दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, और यहाँ पर हम बहुत ही 1/2 इंच से भी कम मार्क करेंगे। और ये देखिए, ये देखिए हम इस तरीके से वी शेप में सिलाई लगा लेंगे, बहुत ही ये हमें 1/2 इंच से भी कम में मार्क करना है। ये देखिए ये देखिए ये 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम है, तो हम इसको यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा इस तरीके से हल्का सा वी शेप में सिलाई लगा लेंगे। बाकी हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, ना ही इसको यहाँ से अभी कट करना है, ना कुछ करना है, बस वी शेप में यहाँ पर हल्की सी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से देखिए आप, बहुत ही हल्की सी हमने सिलाई लगाई है और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट भी हमें बहुत हल्का सा ही लगाना है। ये देखिए चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये
लड्डू गोपाल जी की पैंट बन गई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का साइज बहुत छोटा है, ये एक अभी जो है शॉर्ट के जैसा लग रहा है, बट ये पैंट का काम करेगा उनको, क्योंकि बहुत छोटा साइज है। और ये देखिए, ये उनका पूरा सूट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सूट उनका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी ज़रूर बनाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग राधे राधे।